वचन को हमें समय मिला है तो हम मनन करें। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 4 आयत। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा, मत्ती की किताब उसका 4 का 4 में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। आज मेरा बोलने का टॉपिक भी, शीर्षक भी यहाँ से है कि परमेश्वर का वचन जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर का वचन जीवन से भी उत्तम है। इसलिए हम कितनी दफ़ा हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में हमारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा जीवन बहुत उत्तम है, लेकिन परमेश्वर का यदि वचन नहीं है वो जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं हमारा जीवन खाने से चल रहा है, नहीं, ये जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन को चला रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन को चला रहा है। इसलिए हमारी जिंदगी, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में हमें बनाए रखना है। इसलिए हम सोचते हैं अपनी कितनी दफ़ा हम अपने परिवार के विषय में, अपनी ज़िंदगी के विषय में कि हम जो कर रहे हैं हम अपने जीवन के लिए हम सही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर के वचन में हम रहकर हम अपने जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपने जीवन को, हम दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की बातों से हम अपने जीवन को नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को, अपने वचन को हम यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर इसलिए यहाँ पर केवल हमारे जीवन के लिए रोटी से ही हम जीवित नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो निकलता हर एक वचन है उसी वचन से हम जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के वचन में, खुदा की वाणी में हम एक आयत देखें तो 1 पीटर 1 में पहला पत्रस और उसका पहला पत्रस की किताब उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय का हम 23 आयत में जाएं तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, जो हमें जीवन मिला है, ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर के वचन से हमें मिला गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, क्योंकि तुमने ना सवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमेन। परमेश्वर के हमें एक वचन से जो हमें मिला है ये नया जीवन परमेश्वर के वचन से मिला गया है। इसलिए कितनी दफ़ा हम सोचते हैं हमें नया जीवन हमारी किस्मत से मिला है, हमारा नया जीवन हमारे हमारी ज़िंदगी हमारे परिवार की ओर से हमें मिला गया है हमें, लेकिन मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से हमें ये जीवन मिला गया है, परमेश्वर के वचन से। इसलिए वो परमेश्वर का वचन उत्तम है, उत्तम है। इसलिए ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ को हमें उत्तम अपनी ज़िंदगी में अगर रखना है तो हमें परमेश्वर के वचन को रखना है। परमेश्वर के वचन को जब हम उत्तम रखेंगे, परमेश्वर के वचन को जब हम उत्तम देखेंगे, करेंगे, अवश्य ही हम अपनी ज़िंदगी में उस परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देता है। परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर के और देखकर चलता है। परमेश्वर से जुड़ा व्यक्ति परमेश्वर की हर एक बात को पहला स्थान देता है। इसलिए हमें ये बात को जानना है कि हमारी ज़िंदगी में हम दुख में होते हुए भी, मुसीबत में होते हुए भी, तकलीफ में होते हुए भी हमें परमेश्वर के वचन को उत्तम जानना है, उत्तम जानना है। यदि हमने उसको तुच्छ जाना, हमने उसको छोटा जाना, हम अपनी ज़िंदगी में हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, कभी भी हम अपनी ज़िंदगी में उस चंगाई को, नए जन्म को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमें उस खुदा का वचन को उत्तम जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने, परमेश्वर स्वयं उत्तम है, परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। इसलिए मैं कहानी से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, इस मसीह एक जगह से होकर जा रहे होते हैं, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 से लेकर 30 तक वहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक यीशु मसीह एक जगह से होकर जा रहे हैं और वो एक
व्यक्ति आता है और आकर उसको पूछता है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक उत्तम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू उत्तम है और मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ। प्रभु यीशु मसीह इसको बोलते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों बोलता है, उत्तम क्यों बोलता है? इसलिए उसने बोला यहाँ पर कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ। उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर की आज्ञा मान, परमेश्वर की आज्ञा मान। बोलता मैं ये सब काम तो मैं लड़कपन से करता हुआ आया हूँ। लेकिन वहाँ पर उसने ये बात को बोला कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेरे पीछे हो ले कंगालों को देकर, और उसी बात में वो निराश होकर चला गया। उसने उत्तम अपने संपत्ति को देने का सोचा, लेकिन यहाँ पर उत्तम यदि परमेश्वर को उत्तम दें तो हम हमारी ज़िंदगी में हम अनंत जीवन के बड़े भागीदारी हो सकते हैं, अनंत जीवन के बड़े भागीदारी हो सकते हैं। यदि हम अपनी ज़िंदगी में हम परमेश्वर को छोटा समझते हैं, वचन को छोटा समझते हैं, काम नहीं हो रहा है, तो हमें ये बात को जानना है परमेश्वर जो है वो स्वयं उत्तम है। ये बात को हमें अपनी ज़िंदगी में जानना है। इसलिए परमेश्वर का वचन, हम जहाँ कहीं भी चलते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पैर के लिए दीपक बनता है, मार्ग के लिए उजाला बनता है। परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है, भजन संहिता 119 का 105 आयत में परमेश्वर की वाणी में ये बात लिखा गया है। इसलिए हमारी ज़िंदगी, हम जहाँ भी चल रहे हैं, हम जहाँ भी फिर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों उत्तम ठहरा है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए हम जब उत्तम अपनी ज़िंदगी में उसको मानते हैं तो हम जहाँ कहीं भी चलने से वो हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन हमारी रक्षा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें मामूली नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन तो ऐसा है, वो आग है, वो हथौड़ा है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आग और हथौड़ा का काम करता है। इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका 23:29 आयत में ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। और परमेश्वर के वचन में हम एक आयत और देखें तो याकूब की किताब में भी परमेश्वर के वचन में बुक ऑफ जेम्स chapter 1:18 में याकूब की किताब उसका एक अध्याय और उसका 18 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमेन। प्रथम फल हो, उत्तम परमेश्वर के पहले फल हो। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें रचा है, यह हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए रचा गया है, हमें अच्छा रखने के लिए, हमें जीवन में बुरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें उत्तम बनाया है। इसलिए हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा मैं तो बेकार ही, ज़िंदगी में बेकार ही हूँ, मैं परिवार बेकार है, मैं बेकार हूँ। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि हमें हमारे परमेश्वर ने हमें उत्तम बनाया है, हमें हमारे परमेश्वर का वचन हमें उत्तम बनाता है। यदि हम वचन को उत्तम समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, वचन आपको उत्तम बनाता है। इसलिए यही आज की सुबह आप सबको ऊंचाई करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए, इसलिए राजा दाऊद भी इस बात के लिए बोलता है कि परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, वो जीवन से भी उत्तम है, वो जीवन से भी उत्तम है। इसलिए ये जो जीवन है, हम सोचते हैं ये जीवन जीवन ही सब कुछ है, नहीं, ये जीवन से बढ़कर परमेश्वर की दया है जो वचन से हमारे ऊपर वो अपनी उत्तम करता है, करुणा करता है। ये हमें जानना है कि परमेश्वर की करुणा हमारे लिए उस जीवन से भी उत्तम है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया बनी रहेगी, हमारा जीवन परमेश्वर में बना रहेगा। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा नहीं होगी, हमारा जीवन भी एक भाप के समान ही है, भाप के समान ही है। इसलिए हमें ये बात को जानना है कि परमेश्वर की जो करुणा है तो हमारे जीवन के लिए जीवन से भी उत्तम बनी गई है। जीवन इतना इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये आज की सुबह आप सबको ऊंचाई करना चाहता हूँ खुदा के वचन से। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।